बीकानेर से आशीष मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी इस समय आप पुष्पेंद्र भारद्वाज के ऑफिस में मौजूद हैं और वहाँ काफी जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद है, घटना चोरी की बताई जा रही है, क्या पूरा मामला है आशीष? आपको बता दें, पुष्पेंद्र भारद्वाज है वो बीकानेर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल के चुनावी उनके सामने उन्होंने लड़ा था। अभी 17 तारीख को करीब रात को 12:30 बजे दो शातिर चोर उनके ऑफिस में घुसे, चौकीदारों को सुनाया और उनको बेहोश कर दिया जी। और साथ में ऑफिस के LCD कंप्यूटर और कुछ छोटा मोटा सामान ले गए जी। साथ ही जो उनके सिक्योरिटी वालों ने बताया कि पास में ही उन्होंने एक और वारदात करी जहाँ पे उन्होंने 60,000 रुपए नगद और 3 मोबाइल भी चुरा कर ले गए हैं जी। तो ये जो घटना घटित हुई है, घटना घटित होने के बाद में घटना की जानकारी मोहना थाने में दर्ज करवाई गई है, किसने दर्ज करवाई है? ये पुष्पेंद्र भारद्वाज ने करवाई है और पुष्पेंद्र भारद्वाज अभी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के अंदर चुनाव के दौरे पे हैं जी। लेकिन उनके यहाँ पर ये चोरी करी गई और उनका ये कहना है कि क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चुनावी कैंप है वो उनसे 100 मीटर दूर पर ही है, जब मुख्यमंत्री के सामने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि कांगड़ा को मैं बहुत स्वच्छ सुंदर और बहुत अच्छा बनाऊंगा। लेकिन आज उनका ये कहना है कि लाल जो है, जो मुख्यमंत्री है, इनके राज्य के अंदर बिल्कुल कांगड़ा बिल्कुल असुरक्षित है, जहाँ अगर मेरे ही यहाँ पे चोरी हो गई तो किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है किस तरीके से बचेगी। उनका सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर यही है। बड़ा सवाल है आशीष, बहुत बड़ा सवाल है कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट जो है सांगनेर मानी गई थी, भजनलाल शर्मा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और आज राजस्थान के CM हैं और राजस्थान के CM के इलाके में चोरी की घटना की वारदात होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था को लेकर। क्योंकि सांगनेर की अगर बात करें तो सांगनेर में इस प्रकार के जो चैन स्नेचिंग डकैती की जो वारदात हुई है, वर्तमान में वहाँ विधायक को बड़ी सोचना पड़ेगा और CM को भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार की वारदात CM के इलाके में होती है तो आप जानते हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पे क्या हाल होगा। धन्यवाद आशीष जानकारी देने के लिए।